दोस्तों, एनिमल किंगडम की दुनिया बेहद अजीब है। अगर हम आपसे ये कहें कि क्या कभी आपने ग्रीन ध्रुवीय भालू को देखा है जो सफेद से पूरी तरह हरा हो जाता है, तो आप कहेंगे ये कैसा बेहुदा सवाल है, लेकिन ये तो सच है। और क्या आप जानते हैं कि किसी भी पक्षी की चोंच में छेद होने से उसकी आवाज बदल जाती है, और तो और उसकी चोंच में छेद होने के कारण ये होता है कि वो अपने चोंच को खुद ही खा जाते हैं। यकीन नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाले इंसिडेंट्स बताएंगे जो कि एनिमल किंगडम से जुड़े हुए हैं, शायद अब तक आप इससे अनजान थे। दोस्तों, अब तक आपने ध्रुवीय भालू के बारे में ये सुना होगा कि वो सफेद रंग के होते हैं, और देखा भी है। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि ये अपने रंग को बदलकर ग्रीन भी हो सकता है, तो इस पर आपको यकीन नहीं होगा। पर आप हमारे इस वीडियो में देखिए कि ये भालू सफेद तो बिल्कुल नहीं है, इसका रंग पूरी तरह से हरा हो चुका है। और ऐसा क्यों? दरअसल उनके साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ उनका घर तो बदल जाता है, साथ ही आप उनके रंग को भी बदलते हुए देखेंगे। और ये मौसम की वजह से होता है। दरअसल शरद ऋतु के दौरान जब ध्रुवीय भालू के बाल पूरी तरह झड़ जाते हैं, तो सर्दी के मौसम में उसके नए बाल उग आते हैं, जिसके बाद वो गर्मियों में एकदम सफेद दिखाई देते हैं। और जब वो सूरज के संपर्क में लगातार बने रहते हैं तो उनका रंग हल्का पीला हो जाता है और हल्का भूरा भी। लेकिन समुद्र में यानी पानी में पाए जाने वाले एक समुद्री घास को ये लगातार खाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से हरे नजर आते हैं, कुछ ऐसे। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इनका रंग कैसे बदलता है। क्या आप जानते हैं कि मेंढकों की छलांग उनके वातावरण के हिसाब से होती है? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मेंढक की अलग अलग प्रजातियां अलग अलग तरीके से छलांग लगाती हैं, और उनका उछलना बहुत हद तक उनके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में शोध कर रहे मार्टा विडाल गार्सिया ने उनके इस प्रयोग में 30 प्रजातियों के लगभग 230 मेंढकों की छलांग को वीडियो कैमरे में कैद किया। मार्टा ने बताया कि हमने मेंढकों को उनके प्रजनन के वक्त में यानी बारिश के बाद रात के अंधेरे में खोजा, क्योंकि यही वो समय होता है जब मेंढक सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो विश्लेषण के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि मेंढकों की छलांग उनके आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। हालांकि हर मेंढक की प्रजातियों की टर्राहट अलग अलग होती है। वे अपनी गर्दन के पास गुब्बारे की तरह हवा भर लेते हैं और टर्राते हैं। उनकी आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती है। अब बात करते हैं हिरण की। दरअसल एनिमल किंगडम में पाया जाने वाला ये जानवर भागने में काफी फुर्तीला माना जाता है। मगरमच्छ, शेर, बाघ जैसे जानवरों का ये अक्सर शिकार बनता हुआ नजर भी आता है। लेकिन अपने भोजन के दौरान ये जानवर कभी कभी काफी घने जंगल में चले जाते हैं और जानवरों के साथ इंसानों का भी शिकार हो जाते हैं। उनकी अवैध तस्करी से हर साल कई हजार हिरण की जानें चली जाती हैं। इसके बावजूद हम आपको ये बता दें कि हिरण का सींग काफी महंगा बिकता है। इसके अलावा जब ये अपने भोजन की तलाश में जंगलों या पेड़ों के आसपास अपना भोजन तलाश कर रहे होते हैं, तो कई बार ये उनमें फंस जाते हैं। हालांकि कई बार तो इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है, पर कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो थोड़ी देर के लिए हर किसी को हैरत में डाल सकती हैं, क्योंकि उन पेड़ों में फंसकर वो मर चुके होते हैं और उनका कंकाल कुछ इस तरह से नजर आता है। वाकई ये काफी हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, जिराफ अपनी लंबी गर्दन और लंबी टांगों के लिए काफी मशहूर है। एनिमल किंगडम में इसे सबसे लंबा जानवर माना जाता है कि कई बार इनकी लंबाई उनके लिए मुसीबत बन जाती है। इस लंबी गर्दन के होने की वजह से ये कई बार आपसी लड़ाई में अपनी गर्दन को तोड़ लेते हैं, और कई बार आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें ये अपनी गर्दन के साथ जिगजैग आकार में नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में जापान के एक चिड़ियाघर में जिराफ अपनी हरकतों की वजह से मुसीबत में आ गया। दरअसल ये जिराफ यहाँ पर बने हुए एक नकली पेड़ में अपनी गर्दन फंसा लेता है। हालांकि इसे काफी समय बाद रेस्क्यू किया जाता है, तब तक इसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है। ये ज्यादातर अपनी गर्दन को और भी लंबी भोजन के लिए करते हैं और मुसीबत में आ जाते हैं। अब बात करते हैं उस मक्खी की जो वातावरण में काफी गंदगी फैलाती है, वो भी एक फल के द्वारा।
कैसे, हम आपको बताते हैं। मादा मक्खी फलों में छेद करके अंडे देती है। करीब 3 से 5 दिनों के बाद अंडों से इल्लियां निकलती हैं। इल्लियां फलों को 20 से 25 दिनों तक खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद इल्लियां प्यूपा में बदलकर मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। करीब 1 सप्ताह बाद वयस्क कीट बाहर निकलकर दोबारा अंडे देना शुरू कर देती है। मक्खी अंडे देने के लिए फलों में छेद करती है, जिससे फलों में छेद नजर आने लगते हैं। कीट की इल्लियां फलों को अंदर से खाती हैं। प्रभावित फलों का आकार टेढ़ा हो जाता है। कीट का प्रकोप बढ़ने पर फल सड़ने लगते हैं। कुछ इल्लियां फलों के साथ सब्जियों के बीज को भी खाती हैं, जिससे बेलों में गांठ बन जाते हैं। अब बात करते हैं पक्षियों के चोंच में पाए जाने वाले इस छोटे से होल के बारे में। तोते की चोंच में छेद होते हैं, जिन्हें इंट्रामल स्पेस के रूप में जाना जाता है, जिससे वे अपना मुंह खोल और बंद कर सकते हैं, निगल सकते हैं, काट सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ये निचले जबड़े या चोंच के निचले हिस्से के यू या वी आकार द्वारा बनाया गया है। तोते जब खाते हैं तो खाने से उनका गला खिंच जाता है और उनकी चोंच के नीचे की खाई, जो उन्हें अपना भोजन निकलने में सक्षम होने के लिए लचीलापन देती है। यदि चोंच ठोस होती और उसमें ये छेद नहीं होता, तो हर बार जब वे अपना मुंह खोलते तो उनकी निचली चोंच उनके गले से कट जाती है। मकाक माँ बंदर अपने बच्चों को क्यों काटते हैं? उनके बाल खींचते हैं और उन्हें दूर भगाते हैं। लोग दावा करते हैं कि वे उनका दूध छुड़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे इसके लिए बहुत छोटे हैं। और वे बच्चों को पेड़ों से फेंक कर क्यों मारते हैं? वे मूल रूप से अपने बच्चों को ये समझाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं कि उनका स्तन 24 घंटे दूध की पट्टी नहीं है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे पूरे दिन अपने ऊप पर रहेंगे, जो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। कुछ दिनों की उम्र में उनका दूध छुड़ाना मूल रूप से उन्हें शिष्टाचार सिखा रहा है, और ये कि उनकी माँ दूध को नियंत्रित करती है, ना कि उन्हें। और ये नियम और परिणाम है। जरा सोचिए, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद हर बच्चा सेना की हर महिला से 24 घंटे दूध पाने का हकदार महसूस करता। ये सिर्फ शिष्टाचार है। और जहां तक एक बच्चे को पेड़ से बाहर फेंकने का सवाल है, ये बहुत ही अजीब हो सकता है। हो सकता है शिकार करने की ये कोई अनोखी सीख सिखा रही हो अपने बच्चों को। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन अजीबोगरीब चीजों को जानने के बाद? यकीनन आपने ऐसी चीजें पहली बार देखी और सुनी होंगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।